शजर आपके साथ यूपी की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत श्रावस्ती से कर रहे हैं, बच्चों का एडमिशन करने से इनकार पर भड़के अभिभावक, गुस्साए अभिभावकों ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। शिक्षक पर जनजाति समुदाय के अपमान का आरोप लगाया। एबीएसए सुनीता वर्मा पर शिकायत ना सुनने का आरोप लगाया गया। बच्चों का एडमिशन करने से इनकार पर भड़के अभिभावक, सरकारी स्कूलों में जाति के आधार पर होता है एडमिशन, समाज के एक वर्ग के खिलाफ शिक्षक की ऐसी सोच की। जमुनहा विकास खंड के गरियनपुरवा का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती से खबर, बच्चों का एडमिशन करने से अभिभावक ना करने से भड़क गए। तो श्रावस्ती से खबर है, बच्चों का एडमिशन करने से इनकार करने पर अभिभावक भड़क गए। तो भगाया था कहते तो उसमें थारू पहाड़ी हो, तुम्हारे सब कहना लिख जाए, जा यहाँ से भागा, भगाया था के खड़ी है। किस स्कूल में गए थे? गड़रियनपुरवा। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? भगाए भी नहीं लिखा था, कहते तो उसमें यहाँ से जा, तुम्हारे सब का काम नहीं है, ना लिख दे। ये बच्चे पढ़ा नाम लिखावे गवागर है, नहीं लिखे चौके बाबा का। कौन से स्कूल में गए थे नाम लिखाने के? गड़रियनपुरवा। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? और केपी सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। केपी सिंह, अभिभावक भड़के हैं बच्चों के एडमिशन से, जिसे कह सकते हैं इनकार करने को लेकर, आखिर क्या मामला है केपी, बताएं। देखिए, श्रावस्ती जनपद के जमुनहा विकास खंड का मामला है, जहां पर एक गांव पड़ता है फतेहपुर बंदी, इसका मतलब और जैसा अभिभावकों का आरोप है कि उनकी विद्यालय में जो कोरोना का प्राथमिक विद्यालय, वहाँ अपने बच्चों से एडमिशन के लिए गए थे। क्योंकि ये जो ग्रामीण है, ये जनजात जिसे समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उनका आरोप ऐसा आरोप है का बच्चे वहाँ पर पिछले मौजूद थे, उन्होंने जो है पहले तो ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जाइए आप जो आरोप कहते हैं, उसके आपके बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में नहीं होता है। अभिभावकों का ऐसा भी आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत जो कि बीओ वहाँ की है सुनीता जी, सुनीता वर्मा जी, उनसे उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद जो बीओ है उन्होंने बाबू की शिकायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके बाद अभिभावक ने जो है पुलिस में इसकी एफआईआर कर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर करने के लिए पुलिस ने जो तहरीर की थी। तो क्या अभी तक किसी तरह कोई एक्शन लिया गया आला अधिकारियों के संज्ञान में, ये मामला है, कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, आज ये आज ही का मामला है, सुबह का मामला है, और इसमें जो है अभिभावकों की तरफ से तो अपनी तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन इस पर अब तक जो है कोई कार्रवाई न तो बेसिक सरकार की तरफ से किया गया है, और न ही कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है केपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चों का एडमिशन करने से इनकार करने पर अभिभावक भड़के हैं और एफआईआर दर्ज कराई। कानपुर से खबर।